चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावर को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन को तेज कर दिया। रोहन, मंगोल, आरब, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा, सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां दुनिया वाले अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया।
ऐसे में लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता देश की उभरती हुई ताकत का ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतिशोध करने आए। लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने देश में एकता का संचार किया और पूर्ण स्वराज का बिगुल बजाया। लेकिन ऐसे में सरकार ने रॉलेट एक्ट लाकर भारतीयों को तोड़ना चाहा। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमे जेल में डालने का अधिकार था। बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर शहर में लोग अपने स्थानिक नेता सतपाल और मैकुफीन की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण रूप में विरोध कर रहे थे और ऐसे में कुछ कर गुजरने को
Shots were fired.
and Sir Louis Dane were both wounded in the arm. It's no use. It's all over. I did it because I had a grudge against him. He deserved it. He's better than that. He ought to be. I put two into him. Oh,
सन 1935 का दौर, कांग्रेस दो गुटों में बढ़ चुकी थी। नरम दल जहां गांधी और नेहरू समर्थक लोग थे, और दूसरी तरफ गरम दल जहां नेताजी सुभाष जैसे क्रांतिवीर थे। गांधी जी सुभाष से नाखुश थे, इसलिए उन्हें कांग्रेस में से इस्तीफा देना पड़ा। सन 1942 में नेताजी ने अपनी राह चुनी। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे भारत भाग ने जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए सब तन पाए आशा, सूरज अंकल जग पर चमके भारत नाम सुमाला, जय हो जय हो जय हो। Thank you.
young years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not fully or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when the age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. इस तरह एक लंबी लड़ाई के बाद आजादी का वो सपना जो क्रांतिकारियों ने देखा था वो 200 साल बाद पूरा हुआ। Oh,
प्रधानमंत्री। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनते ही 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें उन्होंने देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। शास्त्री जी ने युद्ध जीतकर हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया, लेकिन उनके दिल में एक कसक हिंदुस्तान की बहाली को लेकर भी थी। उस समय देश में सूखे की हालत थी, महंगाई बढ़ रही थी। ऐसे में लाल किले की प्राचीर से शास्त्री जी ने देश को आवाज लगाई। करोड़ों किसान अगर ये इरादा कर ले कि हम एक आंदोलन के रूप में खेती की पैदावार को बढ़ाएंगे तो समय बदल सकता, हालत बदल सकती है। कुछ हमें गांधी जी की उस भावना को अपनाना होगा। जब हम आंदोलन चलाते थे, गांव-गांव में जाते थे, और आज इस बात की जरूरत है कि हम गांव में जाएं, हम खेत खेत पर जाएं, हम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी उठाएं कि एक देश के अंदर, गांव के अंदर किसानों में ज्यादा से ज्यादा पैदा करने का एक आंदोलन चला देंगे। मैं चाहता हूं कि हम सब आज उस भावना से प्रेरित हों।
सिखा दे सबको सम्मान पे चोट करो तो अभिमान मचल जाता है। मैं जब भी खुश होता हूं कोई घूर लिए आता है, मेरी हंसी सहम जाती है, कोई नजर चुभा जाता है। दीवानों की महफिल में क्यों दबे पांव आते हो, विश्वास की इस धरती पर संदेह देह लाते हो। बड़ा जिद्दी इश्क है मेरा, तुम झुका नहीं पाओगे। बड़ा नाज है खुद पे मुझको, तुम मिटा नहीं पाओगे।
ललकार सुनी थी मैंने, एक पल को सोचा भी था, ये भुजा उठी भी पर फिर खुद को रोका भी था। कुछ थी जुनून की बारिश, कुछ देवर भी भड़के थे, एक लपट सी भी उठी थी, कई सीने भी धड़के थे। मैं जब भी खुश होता हूँ कोई घूर लिए आता है, मेरी हंसी सहम जाती है, कोई नजर चुहा जाता है। मैंने सत्कार चुना है, मैंने खुद प्यार चुना है, मेरी खुशबू को कोई मेरी कमजोरी न समझे। मैंने सबको अपनाया, खुद बढ़कर गले लगाया, मैं खुद ही गीत बनाऊं कोई मजबूरी न समझे। मैंने मुश्किल राह चुनी है और चलना भी आता है, मैं जब भी खुश होता नजर चुहा जाता है।
court verdict on the common enemies of illiteracy, poor health care, their tendency to focus on war business may come down with better mutual trust. Let us look at the dynamics of the manifestation of the global challenges. The world today is integrally connected through four rapid connectivities. They are environment, people, economy, and ideas. We all know that global warming and climate change are no longer problem of individual nations, but they are planetary problem. Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. Where there is a beauty in the character, there is harmony in the home. Where there is harmony in the home, there is order in the nation. Where there is order in the nation, there is peace in the world. Oh,